2018 ऑटो एक्सपो में होंडा CBR 250R का अनावरण किया गया है। ये एक दिलचस्प विकास है क्योंकि होंडा ने BS4 के स्टैंडर्ड कमी का हवाला देते हुए पहले CBR 250R को बाजार से हटा दिया था। इस वित्तीय तिमाही के दौरान नई CBR 250R की बिक्री होगी। 2018 CBR 250R LED हेडलैम्प, नए रंग के विकल्प और नए डीकैल जैसी सुविधाओं के साथ आती है। ड्यूएल चैनल ABS को बाइक में एक वैकल्पिक सुविधा के रूप में जोड़ा गया है। जब ये इंजन की बात आती है तो 2018 होंडा CBR 250R 26 BHP पीक पावर और 22.9 NMP टोक का उत्पादन करने के लिए 249 cc एकल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन का उपयोग करती है। नीचे दिए गए अनुभाग में टिप्पणी लिख के हमें बताएं।